स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल बाबू स्टडी में। दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला है कि फोर्स गार्ड का जो सिलेबस है किस किस विषय से क्वेश्चन को पूछता है, इस वीडियो में उसी का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अपने हमारे वीडियो पे बने रहिए और हमारे वीडियो को इन तक वॉच करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं बता दूं कि इसमें सिलेबस जो होता है क्या क्या होता है उसी इस पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को हमारे एंड तक वॉच करें और बता दूं कि ये जो दिया हुआ है पहला मेरा फर्स्ट दिया हुआ है फर्स्ट 31/1/2006 जो कि इससे फॉर्म अप्लाई हो रहा है यहाँ से। ठीक है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। उसके बाद सिलेबस की बात करें तो कौन कौन से सिलेबस से क्वेश्चन को पूछा जाता है उसी को हम बताने वाले। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा इस प्रकार से इंटरफेस कुछ खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो है मेरा फर्स्ट में वही मेरा पेज है। ठीक है तो चलिए इसको हम पढ़ कर बताते हैं कि इसमें क्या क्या है। उसके बाद तो चलिए मेरा इस प्रकार से ये हो गया है। ठीक है ये मेरा पेज खुल गया। ठीक है उसके बाद ये मेरा दिया हुआ है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती सरदार पटेल भगवान मतलब ये सब दिया हुआ है। उसके बाद वेबसाइट इतना दिया हुआ है पटना इतना। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ कि बिहार गृह शिक्षा वाणिज्य सेवा संग्रह सिपाही के अतिरिक्त पदों की पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु परीक्षा का पाठ्यक्रम विज्ञापन संख्या इतना है। ठीक है 2/2020। ठीक है तो पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम की जी उतने हिंदी से पूछता है, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान, मतलब टोटल विषय से क्वेश्चन पूछता है। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट मतलब इंटर से ही क्वेश्चन को ज़्यादातर पूछता है। ठीक है तो बिहार विद्यालय समिति से विस्तृत पाठ्यक्रम प्राप्ति किया जा सकता है। संक्षेप के नीचे देखिए, देखिए तो मेरा नीचे दिया हुआ है कि हिंदी का हिंदी 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 का सब्जेक्ट हिंदी का है। ठीक है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ कि सब नाम दिया हुआ है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है जो कि इसमें से क्वेश्चन पूछता है 7-8। ठीक है तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये मेरा दिया हुआ है और नीचे देखिए इसमें से जो दिया हुआ है आप लोग याद कर लीजिए जो कि बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण है जो कि इससे क्वेश्चन पूछता है हिंदी से 7-8। ठीक है उसके बाद ये देखिए पदखंड दिया है विधायी सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है उसके बाद चलिए तो हम इसको नीचे चलते हैं। तो मेरा देखिए अंग्रेजी का आता है, अंग्रेजी से देखिए 8 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है 8 क्वेश्चन पूछता है और अगर इंग्लिश से 8 क्वेश्चन पूछेगा तो हिंदी से क्वेश्चन 7 पूछेगा। ठीक है आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे देखिए सब ग्रामर में से पूछता है ये सब। ठीक है आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेरा आता है विषय कि गणित। गणित में देखिए क्या क्या आता है, गणित में देखिए समुच्चय, संबंध, फलन और गणितीय अर्थशास्त्र और ये सब जो होता है 12th का होता है और 12th और 11th का जो होता है सिलेबस उसी में से क्वेश्चन को पूछता है और 10th लेवल पे भी पूछता है। ठीक है तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे त्रिकोणमिति है सब, ज्यामितीय नियतांक, शंकुखंड और त्रिभुजीय ज्यामिति परिचय होता है। ठीक है उसके बाद ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आता है इतिहास। इतिहास में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है इतिहास में से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद मेरा आता है कि चलिए तो इसको हम स्क्रॉल देखिए भूगोल। भूगोल जो आता है भूगोल में से बहुत ही क्वेश्चन पूछा, देखिए इतिहास और भूगोल दोनों में से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है तो आप लोग इसको अच्छा से देख लीजिएगा जो कि ज्योग्राफी से है, बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है इससे इतिहास और भूगोल से। उसके बाद हम आते हैं नीचे तो मेरा देखिए राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र में देखिए क्या पढ़ना होता है, राजनीतिक शास्त्र में कुछ नहीं पढ़ना होता है, केवल संविधान के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा संविधान के बारे में। ठीक है उसी से क्वेश्चन संविधान से आता है क्वेश्चन जो कि अच्छा होता है आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद
देखिए हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं इसीलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस प्रकार, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, जो कि ये देखिए भौतिकी जो होता है, भौतिकी फिजिक्स जो होता है बहुत अच्छा, मतलब टेंथ और ट्वेल्थ लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जो कि अच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा कि रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि इस रसायन शास्त्र की कुल मूलभूत अवस्थाएं, ठीक है, जो कि 12th लेवल का है, और परमाणु संरचना जो कि ये भी मतलब 10th और 12th का है, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मेरा आता है रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ये सब कृत्रिम प्राकृतिक रेडियो उत्सर्जी विकिरण की प्रकृति, रेडियो सक्रियता के नियम अर्थ, ये सब पढ़ लीजिएगा अपना, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा है और इसमें से क्वेश्चन को पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा आता है कौन सिलेबस, तो नेक्स्ट आता है मेरा सिलेबस, आपको दिखा देते हैं कि आता है मेरा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान जो कि बहुत ही अच्छा जीव विज्ञान है, देखिए जीव विज्ञान जो कि ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सब जीव विज्ञान में से भी क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कि इतिहास और भूगोल में से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो कि देखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र होता है, इकोनॉमिक्स जो होता है, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। आप लोग इसको अच्छा से पढ़िएगा और एग्ज़ाम का संपूर्ण तैयारी करिए। उसके बाद मैं बता दूं, अब नहीं है, ठीक है, उसके बाद नहीं है अब, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, मतलब जो भी ऑफिशियल मतलब हमको पता चलेगा तो हम इस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और इसी प्रकार से जॉब से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।